सो है एवरीवन, कैसे हो? मैं हूं बलराम और आज ये बहुत दिनों के बाद एम पॉकेट के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वो भी इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड। जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो कि 2020 में एम पॉकेट का जो इंटरेस्ट रेट था वो कुछ और था, प्रोसेसिंग फी कुछ और था। लेकिन 2023 में आके इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया है उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया है वो क्या सब बदलाव हुआ है। ओके, तो फ्रेंड जैसे आप 2020 में अगर लोन लेते थे 2000 रुपीज, वो भी 1 मंथ के लिए, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होता था इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग फी वो 200 होता था। वहीं पे अगर आप 2 मंथ का टेनर रखते थे तो 400, और 3 का रखते थे तो 600 रुपीज इंटरेस्ट रेट होता था इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग फी। ओके, लेकिन इन्होंने जो 2023 में जो बदलाव किया है वो काफी अच्छा बदलाव है। तो चलते हैं मोबाइल के डिस्प्ले पे और आप लोग को बताते हैं कि इंटरेस्ट रेट में क्या सब बदलाव हुआ है। उससे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लेट्स गो। तो गाइज, फाइनली अभी हम अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप लोगों को एम पॉकेट ऐप दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं इस ऐप को ओपन कर ले रहा हूँ। तो गाइज देख सकते हो, फाइनली हमारा ऐप ओपन हो गया है और यहाँ पे क्रेडिट लिमिट आप लोग को 12,000 और अवेलेबल क्रेडिट लिमिट 12,000 ही देख रहा होगा क्योंकि अभी मैंने यहाँ से कोई भी लोन नहीं लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले थे इसके इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई भी अमाउंट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। सपोज 2000 रुपीज मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसका टेनर आप जितना दिन रखना चाहते हो उतना दिन रख सकते हो। हाइएस्ट टेनर आपको 90 डेज तक ही देखने को मिलेगा अगर आप 30 डेज का टेनर रखते हो। ओके, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप 30 डेज का टेनर रखते हो तो आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 10 रुपीज 2 पैसा देखने को मिलेगा। और ये जो 10 रुपीज 2 पैसा है वो हर किसी में देखने को मिलेगा, या आप 90 डेज का टेनर रख लो या 61 डेज का टेनर रख लो, आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 10 रुपीज 2 पैसा ही देखने को मिलेगा। अब फ्रंट फी यहाँ पे आप लोगों को 100 रुपीज देखने को मिलेगा। इसमें थोड़ा बहुत बदलाव होता है जब आप टेनर 60 डेज या 90 डेज रखते हो तब। ओके, अगर आप 60 डेज रखते हो तो उसमें कुछ छूट दिया जाता है और यहाँ पे टोटल जीएसटी आपको देखने को मिलेगा 19 रुपया 8 पैसा। इंटरेस्ट बिफोर ड्यू डेट 80 रुपीज, यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट होने वाला है वो 80 रुपीज, और प्रोसेसिंग फी अप फ्रंट फी और जीएसटी आर जोड़ के आपको 130 रुपया। ओके, तब यहाँ पे मैं ओवरऑल बात कर लेता हूँ। अगर आप 2000 रुपये लोन लेते हो तो आपका डिसबर्समेंट अमाउंट जो देखने को मिलेगा वो 1870 रुपया, और आपका जो पेवल अमाउंट देखने को मिलेगा वो 2080 रुपया देखने को मिलेगा, जिसमें आपका एम कॉइन्स 9 दे दिया जाता है पहले ही। अगर आपके अकाउंट में एम कॉइन्स है तो वो 9 लेस कर दिया जाता है, टोटल आपको 2080 देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे 9 एम कॉइन लेस करके 2071 रुपया देखने को मिलेगा। ओके, तो ओवरऑल मैं बात कर लूँ तो अगर आप 2000 रुपये लोन लेते हो तो यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट बन रहा है वो 210 रुपया बन रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे एम कॉइन्स लेस करके आपको 201 रुपया देना पड़ेगा अगर आप 1 महीने के लिए टेनर रख रहे हो तब। अब यहाँ पे मैं 2 महीने के लिए टेनर रख के देख लेता हूँ। तब गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप 2 महीने के टेनर रख रहे हो तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो तो 10 रुपीज 2 पैसा देखने को मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पे अपफ्रंट फी में मात्र 50 रुपीज इंक्रीज किया गया है। ओके, और जीएसटी में भी 50% इंक्रीज किया है, तो काफी अच्छा डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। उसके बाद इंटरेस्ट बिफोर ड्यू डेट में आपको 160 देखने को मिलेगा, और आपका जो पेवल अमाउंट देखने को मिलेगा वो 2144 रुपया। यहाँ पे एम कॉइन्स अगर आपके अकाउंट में है तो वो लेस कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे अकाउंट में एम कॉइन्स है तो यहाँ पे 16 एम कॉइन्स लेस कर रहा है। उसके बाद मुझे जो पेवल अमाउंट बन रहा है वो टोटल 2144 रुपया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर आप 2 महीने के टेनर रख रहे हो तो आपका जो डिसबर्समेंट अमाउंट देखने को मिलेगा वो 1811, इवन आपको पेवल अमाउंट आपको 2144 ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा बदलाव देखने को मिला है कि अगर आप 2000 रुपये लेते हो तो 1811 प्रोसेसिंग फी कट करके तो आपके अकाउंट में डिसबर्समेंट किया जाएगा, और आपका जो पेवल अमाउंट है वो 2144 मतलब 333 रुपया ही देखने को मिलेगा। जैसे आप 1 महीना का टेनर रखते हो तो 210, आई थिंक यहाँ पे 420 के बदले आपको 333 ही, तो आप लोग देख
सकते हो अगर आप 2 महीने के टेनर रख रहे हो तो इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फी में कितना ज्यादा बचत देखने को मिलेगा आप लोगों को। ओके, तो जब भी आप लोन ले तो 61 डेज के लिए ले, और चाहे इमरजेंसी सेवा के लिए अगर आप ले रहे हो तो 30 दिन के लिए ही ले सकते हो, क्योंकि 61 डेज में आपको काफी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब मैं 90 डेज सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ओके, तो गाइज फाइनली मैंने 90 डेज सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंश्योरेंस प्रीमियम, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो सेम ही रहेगा, चाहे आप 90 डेज के लिए टेनर रखो या 61 डेज के लिए या 30 डेज के लिए। ओके, यहाँ पे आपको इंश्योरेंस प्रीमियम सेम ही देखने को मिलेगा। अप फ्रंट फी में थोड़ा बहुत बदलाव आता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 1 महीने के लिए टेनर रखते हो तो अप फ्रंट फी 100, और 3 महीने के लिए रखते हो 200, 61 डेज के लिए रखते हो तो 150, मतलब 50% इंक्रीज कर देता है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 200 रुपीज आपका अप फ्रंट फी और GST आपका 37.08 रुपया, टोटल आपका जो डिडक्शन होगा पहले 248 रुपया, और आपके अकाउंट में जो डिसबर्समेंट अमाउंट देखने को मिलेगा वो 1752 रुपीज। ओके, और यहाँ पे आप लोग अगर देखो इंटरेस्ट बिफोर ड्यू डेट तो 240 देखने को मिलेगा, और इसमें आपको काफी अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा इन द इंटरेस्ट रेट। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 2000 रुपये अगर आप 3 मंथ्स के टेंडर के साथ ले रहे हो तो आपका जो डिसबर्समेंट अमाउंट देखने को मिलेगा वो 1752 रुपीज। ओके, और वहाँ पे 1752 रुपीज डिसबर्समेंट अमाउंट और टोटल पेबल अमाउंट आप लोगों को 2217 रुपया देने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 500 रुपया भी आपको इंटरेस्ट रेट नहीं लग रहा है, वो भी 3 मंथ्स के टेनर पे। तो कुछ इस तरह का बदलाव हुआ है। तो आज की इस वीडियो में यही बताना था कि इंटरेस्ट रेट में कितना ज्यादा बदलाव हुआ है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।